क्या हुआ दोस्तों, कॉमिक्स की दुनिया धमाका हो गया? अरे नहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज हम बात कर रहे हैं असली धमाके की, मार्वल कॉमिक्स की कहानी, जिसने कागजों पर ही नहीं पर्दों पर भी तहलका मचाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1939, न्यूयॉर्क सिटी। एक इंसान अंधेरे कमरे में हाथ में पेन लेकर बैठा हुआ है। ये इंसान है मार्टिन गुडमैन। इनके दिमाग में एक प्लान चल रहा है। किस तरीके का प्लान? ये प्लान है एक यूनिक कैरेक्टर बनाने का प्लान, एक सुपर हीरो बनाने का प्लान। और ये प्लान मार्टिन गुडमैन के मन में आते ही मार्टिन गुडमैन एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, टाइमली कॉमिक्स। फिर टाइमली कॉमिक्स अपने द ह्यूमन टॉर्च और सब मार्नियर जैसे कैरेक्टर के साथ खूब धूम मचाती है। और यहीं से टाइमली कॉमिक्स, जिसका बाद में नाम बदलकर मार्वल कॉमिक्स रखा गया, इसकी जर्नी की शुरुआत होती है। 1941, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर टू में बिजी थी। उसी वक्त टाइमली कॉमिक्स एक धमाका करता है अपने सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका के साथ। अमेरिकन फ्लैग में सजा हुआ ये सुपर हीरो यंग अमेरिकन्स के बीच में ना पूरा एकदम जोश भर देता है, एकदम देशभक्ति की भावना को जगा देता है। और ये यंग अमेरिकन्स के बीच में एकदम आग की तरह कैप्टन अमेरिका फैलता है। बट ये आग जल्द ही बुझ जाती है, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ सुपर हीरो का क्रेज़ भी ख़त्म हो जाता है। आगे के कुछ डिकेड्स मार्वल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भरे रहते हैं। उनकी कॉमिक्स की बिक्री बिल्कुल भी नहीं होती है, सेल्स पूरे डाउन रहते हैं। और साथ ही साथ डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो इतने ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं कि मार्वल को ऐसा लगता है कि हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। पर रुको, मार्वल कहाँ हार मानने वाले थे। 1950 के एंड में हमारे और आपके फेवरेट स्टैनली की एंट्री होती है मार्वल कॉमिक्स में। स्टैनली के साथ आए जैक किर्बी की तरह बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट मार्वल को एक यूनिक और एक नया लुक देने की कोशिश करते हैं, और वे उसमें सक्सीड भी होते हैं। इस बार के जो सुपर हीरो मार्वल ने बनाए वो थोड़े अलग थे, वो परफेक्ट नहीं थे, और वो हम लोगों की तरह ही अपने रेगुलर लाइफ के प्रॉब्लम से उलझ रहे थे। और इसी फॉर्मूले के साथ स्टैनली और जैक किर्बी बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स बनाते हैं, और जिनमें हमारे आपके और बहुत से लोगों के फेवरेट आयरन मैन, हल्क और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर को मार्वल जन्म देता है। देखो, अगर आपको कोई मार्वल का कैरेक्टर पसंद है ना, तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मुझे जानने में बहुत मज़ा आएगा कि आपका फेवरेट मार्वल का कैरेक्टर कौन सा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स को मार्वल ने जन्म दिया, ये जो कॉमिक रीडर से बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, और इसी तरह मार्वल अपना एक्सपेंशन करता है, आगे बढ़ते जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आपको क्या करना, आपको पता ही है, बट प्लीज़ कर देना यार, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं करोगे कोई बात नहीं, बट हाँ, वीडियो देखना जरूर, और कमेंट तो कर ही सकते हो। लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कोई बात नहीं, बस कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मुझे अपना फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स का नाम बताना, क्योंकि मुझे जानना है। चलो ठीक है, बाय बाय।